हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में स्वागत है। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस क्वेश्चंस के पार्ट 17 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ और उनके सभी एक्सप्लेनेशन को आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिए। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन होगा 226, यानी कि 26 का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्थेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्थेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये देखिए, ध्वनि का परावर्तन, कहने का मतलब कि ध्वनि के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर होता है कि जो डॉक्टरों के द्वारा जो प्रयोग की जाती है स्थेथोस्कोप, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें कौन सा जो वर्णक होता है वो पिगमेंट की कार्य करता है। तो ये आपका क्लोरोफिल होता है जो कि पिगमेंट का कार्य करता है, और ये पौधों को हरा रंग देने के लिए भी यही, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों को हरा रंग देने के लिए भी ये इसी का कारण है। आपको पता होगा कि पूछा जाता है कि पौधे का पत्ता हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गए। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं एकदम फ्री में। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के पार्ट्स का भी पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने सबसे ऊपर अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। देखिए, कुछ दोस्तों को डिस्क्रिप्शन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, टाइटल जो लिखा रहता है हमारे चैनल का, जैसे कि इस वीडियो का जो नीचे टाइटल होगा उसके बगल में एक इस तरह का बटन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वो खुल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि बीटी बीज जो होता है, बीटी बीज का संबंध किससे है। बीटी बीज का जो संबंध होता है वो कपास से होता है, यानी कि जो कपास का एक बीज होता है जिसका नाम दिया गया है बीटी बीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है कि बीटी बीज का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया, ठीक है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पक्षियों को जो हम उड़ने की रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको ब्रेलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जब पक्षी को उड़ने से हम लोग रोकते हैं उसको हम लोग ब्रेलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि नर एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि नर एनाफिलीज मच्छर का जो भोजन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, फूलों का रस होता है इसका, नर एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं इनके भोजन का जो होता है वो फूलों का रस होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ये बात है कि ये तो नर एनाफिलीज मच्छर की हो गई, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर भी होगी, तो उनके खाने का भोजन क्या होता है। तो उनका जो भोजन होता है वो मानव रक्त होता है। अब आपको पता होगा कि जो मलेरिया हम लोग को होता है वो किसके द्वारा होता है, तो माना एलिफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, जो हमारे वो शरीर से रक्त को अपने भोजन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि नर एनाफिलीज मच्छर के लिए फूलों का रस होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए आपका मानव शरीर का रक्त होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बर्फ़ के टुकड़े को जब हम ग्लास, एक गिलास यानी कि शुद्ध जल में डालते हैं या फिर एक गिलास अल्कोहल में डाला जाए तो क्या होगा, बर्फ़ के टुकड़े के साथ क्या होगा। तो देखिए, अल्कोहल में ये तैरती रहेगी, लेकिन अगर बात करें कि जल में, तो ये जल में डूब जाएगी। कहने का मतलब है कि जब हम बर्फ़ के टुकड़े को अगर एक गिलास पानी में और एक गिलास अल्कोहल में डालते हैं तो क्या होगा कि अल्कोहल में जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा वो तैरता रहेगा, लेकिन ये जल में अगर हम डालते हैं तो वो डूब जाएगा। ऐसा उनके जो घनत्व होता है उनके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा ये बनता है, सौर विकिरण का जो भाग, यानी कि जो सौर विकिरण आता है उसका वह भाग जो बिना गर्मी किए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि जो सौर विकिरण के जो भाग हमारे पृथ्वी पर आया, लेकिन उसने बिना किसी ऊष्मा की, यानी कि बिना किसी गर्मी किए वो वापस वो किरण लौट जाता है परावर्तित होकर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो धवलता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो धवलता कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या होता है। तो ये राइजोबिया इसका नाम दिया गया, आपको ध्यान रखना हो कि नाइट्रोजन यौगीकरण में जो होता है सूक्ष्म जीव होता है आपको राइजोबिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दी जाने वाली एक उत्पाद का नाम क्या होता है। देखिए ध्यान रखना है कि मधुमेह जो रोगी होते हैं, यानी कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, उनके मधुकरण कारक के रूप में एक दी जाती है, तो उस उत्पादक का नाम क्या है। तो इसको हम लोग एस्पार्टम कहते हैं, एस्पार्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एसिडिन,
हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन एमिनो अम्ल जो होता है मानव के किस प्रकार के उपयोगी होता है, यानी कि हिस्टिडीन एमिनो अम्ल जो होता है वो मानव शरीर के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि यह जो होता है कि मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, यानी कि जो मानव का पोषण होता है उसके लिए अर्ध अनिवार्य, इसका मतलब आधा होना बहुत ही जरूरी है, ये अर्ध अनिवार्य के तौर पर माना जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि किसी वृक्ष की अधिकतम हानि कैसे होती है, यानी कि जब कोई वृक्ष है उसको अधिकतम हानि हम लोग कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए लेकिन पूछा जा रहा है, तो किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे होती है। तो देखिए उसके छाल का नाश होने पर, यानी कि अगर किसी वृक्ष की अगर हम उसकी छाल को नाश करते हैं तो उसका अधिकतम हानि होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि छाल के नाश होने पर क्या होता है कि जो पौधे होते हैं यानी कि जो वृक्ष होता है उसके फ्लोएम उत्तक आपने पढ़ा होगा कि फ्लोएम उत्तक जो होता है उसका अभाव हो जाता है, यानी कि वो हट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाद्य परिवहन का जो क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण से आपका जो वृक्ष होता है वो अच्छे से नहीं बढ़ पाता और वृक्ष जल्दी से सूख जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है कि वृक्ष के छाल को नाश करने से सबसे अधिक उसको हानि पहुंचती है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि रात में तथा कुहासे और कोहरे, ये ध्यान रखना है कि रात में भी या फिर कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किस कारण का प्रयोग करके संभव हो पाता है, यानी कि हम लोग रात में भी फोटो ले पाएंगे या फिर कुहासे और कोहरे में भी फोटो ले पाएंगे लेकिन किसका प्रयोग करके ये संभव हो पाएगा। तो देखिए ये अवरक्त किरण के उपस्थिति में हम लोग कर पाएंगे। अब बात करते हैं अवरक्त किरण है क्या, तो अवरक्त किरण जो होता है कि एक ऊष्मीय विकिरण है। ठीक है, ये ऊष्मीय विकिरण है, ऊष्मीय कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें ताप होता है, यानी कि जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ा देती है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि रोगियों की सेकाई, जैसे कि किसी को लांकवा मारता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको सेकाई के लिए हम लोग इस किरण का विकिरण का प्रयोग करते हैं। और इसका जो प्रयोग एक और में होता है कि टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होता है उनमें भी इस किरण का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन थे, यानी कि अवरक्त किरण के खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता जो थे हर्सेल थे, जिन्होंने 1800 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है, 1800 ईस्वी में हर्सेल ने इसकी खोज की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे क्या होती है। देखिए लंबी दूरी से पूछा जा रहा है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे क्या होता है, तो देखिए रेडियो तरंगे होता है लंबी दूरी के बेतार संचार। अब देखिए यहाँ बात है कि बेतार संचार, तो बेतार का तार, यह आपको ध्यान रखना है कि बेतार के तार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार मार्कोनी ने किया था 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 इसका आविष्कार किया गया था मार्कोनी के द्वारा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि समुद्र जल के भीतर चलने वाली जो पनडुब्बी होती है इंजनों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो जल में जो पनडुब्बी चलती है अंदर में, तो उनके इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग होता है पेट्रोल और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे, इसका राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न इस प्रकार है कि दो तत्व कौन है जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। और देखिए कहने का मतलब पूछा है कि वो दो तत्व कौन है जिनका प्रयोग जो ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है, तो इसका देखिए राइट आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपका दो बहुत ही अर्धचालक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस आज इतना ही, तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।